आना यहाँ संभव नहीं है। प्रोफेसर पांडे ने भी वेदांत सम्मत सामाजिक राजनीतिक दर्शन पर चिंतन किया था और बहुत कुछ लिखा था, और वह चिंतन और लेखन हमारे जैसे तमाम उनके शिष्यों के लिए पाथेय बना। उन्होंने मुझे जो शोध का विषय दिया था, स्टडी ऑफ वेदांत फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स, बड़ा कंट्रोवर्सी थी इस पर कि सोशलिज्म और वेदांत ये दोनों तो अलग अलग पोल की तरह हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह हैं। हाउ देयर कैन बी एनी मीनिंगफुल स्टडी ऑफ वेदांत विद रेफरेंस टू सोशलिस्ट आइडियल्स। मैं एक बात और कह दूं शुरू में ही कि मैं उन कुछ बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको एक लंबा समय प्रोफेसर पांडे के साथ बिताने का मौका मिला, और इसलिए अपने शोध प्रबंध में भी और आज अपने व्याख्यान में भी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसमें तमाम ऐसी बातें भी सम्मिलित हैं जो शायद उनकी पुस्तकों में ना हो, लेकिन सुबह शाम के संवाद में वो बातें आई थी और हमने अपनी मेमोरी में वो जो रख रखा था उसको भी आज के व्याख्यान में सम्मिलित करने की कोशिश की है। कल प्रोफेसर मिश्रा ने अपने व्याख्यान के आरंभ में ही ये बात कही थी कि फिलॉसफी में आज मैं जो कुछ भी हूं वह प्रोफेसर पांडे की देन है, लेकिन मैं उसमें से एक शब्द बाहर निकाल देना चाहता हूं, फिलॉसफी में इसको बाहर कर दीजिए, बाकी सेंटेंस वही हमारा भी है। आज मैं जो भी हूं तो उसमें प्रोफेसर पांडे का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं उस सेंटेंस को हटा इसलिए दे रहा हूं, इलाहाबाद में मैं बस गया इसमें प्रोफेसर पांडे की जिद है जिसने हमें यहाँ बसा दिया। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उन्होंने एक जमीन के टुकड़े को कहा इसको तुम खरीद लो, मैंने कहा मेरे पास पैसे कहाँ हैं, उन्होंने कहा चलो कुछ अपने भाई से मांग लो कुछ हम दे देंगे खरीद लो। जबरदस्ती करके उन्होंने मुझे जमीन का टुकड़ा खरीदवाया 25,000 रुपये 1977 में, 400 वर्ग गज वो जमीन है टेबल टाउन में जिसकी कीमत इस समय 3 करोड़ से ज्यादा है। तो मुझे तो इलाहाबाद का बाशिंदा बनाने में भी उनका योगदान है। एक बहुत पर्सनल बात, मेरी 4 बेटियां लगातार पैदा हुई, जब चौथी बेटी पैदा हुई तो उसके 4-6 महीने बाद मैं बैठा था ऐसे ही रोज ही शाम को बैठता था वहां, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम गाय की सेवा करो तब तुम्हें कुछ पैदा होगा, और तमाम दिलीप ने गाय की सेवा किया था तुमको रब जैसा पता थी कुछ पैदा हुआ वगैरह वगैरह तमाम कथाएं सुनाए। उसके खासते 4-6 महीने बाद मैंने एक गाय खरीदी और उसकी सेवा मैंने शुरू किया। मुझे स्मरण है मई 1983 में मैंने एक गाय खरीदी थी, बाद में मैंने उसका नाम ही कामधेनु रख दिया, और उसी वर्ष अगस्त में मेरा ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ। मतलब ये कुछ विचित्र घटनाएं हैं। मैं नहीं कहता कि प्रोफेसर पांडे बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, लेकिन उनकी वाणी में कुछ ऐसा था जो मेरे लिए आशीर्वाद की तरह था। मैंने तो उनसे बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं
एक श्लोक मैंने बनाया जो वेदांत परंपरा में पढ़ा जाता है, बनाया इस अर्थ में कि मैंने उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर दिया है, वेदांत परंपरा वाले आरंभ से लेकर के अपने आचार्य तक का स्मरण करते हैं उस श्लोक में। तो मुझे लगा कि जहां से अद्वैत वेदांत पृथक संप्रदाय के रूप में दिखाई पड़ने लगा है वो पॉइंट है गौड़पाद। तो गौड़पाद समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। मैं उस गुरु परंपरा को वंदन करके अपनी बात करने जा रहा हूँ। तुलसी ने रामचरित मानस के बाल कांड में बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है गुरु वंदना का, इसको मैंने वहां रखा था उस सभा में जहां बड़े बड़े वेदांती जुटे थे और पता नहीं क्यों मुझे भी वहां स्थान दिया गया था। तो मैंने तुलसी का वह श्लोक वहां पर वंदना के रूप में रखा था। इस श्लोक का अर्थ इतना ही होता है कि मैं शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूं जिनसे जुड़ जाने के कारण, जिनके शीश पर स्थान पाने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया है। जमाश्रितो ही वक्रो की चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो ही वक्रो की चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हमारे जैसे बहुत छोटे छोटे शिष्य भी सम्मान पाने लगे, ऐसे गुरु को नमन करके मैं अपनी बात करने की कोशिश करता हूँ। चर्चा हुई थी इस बिंदु की, प्रोफेसर सेठ साहब ने अपने बीच व्याख्यान में कीनोट एड्रेस में इसका उल्लेख किया था, शायद मिश्रा जी के भाषण में भी यह शब्द आया था। प्रोफेसर पांडे ने वेदांत समक्ष जिस समाज दर्शन की संकल्पना की है वह लोकायनवाद नाम से उन्होंने लिखा है। एक बड़ी लंबी आर्टिकल है लोकायनवाद और उसको डेवलप करके उन्होंने वेदांतिक सोशल फिलॉसफी नाम की पुस्तक लिखी। तो मैं उस लोकायनवाद या वेदांत सम्मत समाज दर्शन की संभावना को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। एक बात ये कि भारतीय परंपरा में दो चीजें दो ध्रुवों की तरह बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ वह परंपरा थी जो अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों को केवल स्वीकार करती है, वह चारवाक परंपरा। हम उसकी निंदा चाहे जितनी करते हो दर्शन जगत में, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का दर्शन वही बन गया है और बहुत लंबे समय से। एक लोकायन लोकायत परंपरा थी जो अर्थ पर काम पुरुषार्थ को स्वीकार करती है, और दूसरे छोर पर वह परंपरा थी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार का नामोल्लेख करते हुए भी मोक्ष पुरुषार्थ पर इतना अधिक बल देती है कि अल्बर्ट स्वेटजर जैसे पश्चिमी विचारकों को यह कहने का साहस हुआ कि पूरा का पूरा भारतीय चिंतन पूरा अध्यात्मवाद है। प्रोफेसर पांडे ने जिस लोकायन दर्शन की कल्पना की, संरचना की, वो कल्पना नहीं है। कल्पना इसलिए नहीं है कि वह पहले से प्रचलित जो वैदिक त्रिवर्ग का दर्शन था, त्रिवर्ग का मतलब हुआ धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों को वैदिक काल में त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता था। वह जो त्रिवर्ग का दर्शन था उस दर्शन का एक तरह से नया संस्करण उन्होंने लोकायन दर्शन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। वो
इसलिए वह कल्पना नहीं है, वह एक तरह की संरचना है, वह एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्रचना जिसको हम कहें। ही रिकंस्ट्रक्टेड ट्रेडिशनल इंडियन सोशल थॉट एंड दिस रिकंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लोज टू द त्रिवर्ग थियरी ऑफ वैदिक पीरियड। मैं बीच में अंग्रेजी की ओर इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आई रिमेम्बर प्रोफेसर भट्ट हैज सर्टेन लिमिटेशंस विद हिंदी लैंग्वेज, बट आई एम सॉरी इफ आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली देन द स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी दे विल बी डिसअपॉइंटेड। सो इट विल बी ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ द टू लैंग्वेजेस। यह जो त्रिवर्ग पर आधारित एक सामाजिक दर्शन की संरचना उन्होंने की, उसकी दो तीन विशेषताएं मुझे जो दिखी वो मैं यहां रखना चाहता हूं। ये एक तरह की सिंथेसिस है, तमाम जो विरोधी जो थे उनके बीच में एक सिंथेसिस का काम किया है इस नई अवधारणा जिसको हम लोग आयन बात कह रहे हैं। एक सिंथेसिस उन्होंने जो किया वो मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा सोचा किसी आचार्य ने। उपनिषद कहता है जो केवल अविद्या में निरत है वो अंधकार में है, और जो केवल विद्या में निरत है वो घोर अंधकार में है। बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अविद्या से मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। और यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के इस मंत्र में विद्या का अर्थ है अध्यात्म विद्या, और अविद्या के अंतर्गत समस्त लौकिक विद्याएं गिनाई गई हैं। वहाँ अविद्या का अर्थ अज्ञान से नहीं है, अविद्या में सभी लौकिक जितनी भी साइंसेज हो सकती हैं वो सब उसी में रखी गई हैं। लेकिन उपनिषद का ऋषि कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अविद्या से मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। इस तरह की सिंथेसिस थी उपनिषदों में। किसी कालखंड में हम विचलित हुए अपनी मूल अवधारणा से और अध्यात्मवाद पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। प्रोफेसर पांडे ने एक तरह से अपने लोकायनवाद में उसका रिवाइवल किया है, रिवाइवल ऑफ ग्रेट इंडियन विजडम, क्लासिकल इंडियन विजडम, उसका एक तरह का रिवाइवल होता है। ये मुझे दिखा इसमें। हम अगर सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में चर्चा करना चाहें, उस लोकायनवाद में आज की प्रचलित जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनके बीच, उनमें से कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच का एक गोल्डन मीन जैसा दिखाई पड़ता है, जिसमें आवश्यक अंश इन दोनों का ले लिया गया है। और आवश्यक अंश से मेरा अभिप्राय है श्रम के महत्व को कम्युनिज्म से ले लिया गया, और त्याग के महत्व को या स्वतंत्रता के महत्व को कैपिटलिज्म से ले लिया गया। स्वतंत्रता और श्रम ये दोनों आवश्यक हैं, और स्वतंत्र श्रम ये विकास का असली वाहक बनता है। इस दृष्टि से उन्होंने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन अपने उस चिंतन में दिखाने का प्रयास किया है। दो तरीके हैं किसी आदर्श को प्राप्त करने के। एक तो ये कि हम आदर्श को धरती पर उतारने की कोशिश करें, एक तरह का अवतरण हो, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उन्नयन या ऊर्ध्वगति एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो प्रोफेसर पांडे हमेशा कहा करते थे कि देखो सही तरीका है नीचे वाले को ऊपर की ओर उठाना, ऊपर वाले को नीचे लाना ठीक नहीं है। जिस समत्व को उन्होंने
बहुत से ऐसे वेदांती संपत्तियों का, वेदांती कॉन्सेप्ट्स का नया नया इंटरप्रिटेशन दिया है अपने लेखन में। वो मानते हैं कि वेदांत में जिसको आइडेंटिटी कहा जाता है, परफेक्ट आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है, वह लोक चिंतन में समत्व के रूप में, समता के रूप में प्रकट होता है, और फिर समता को एक राजनीतिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी वो मानते हैं कि वेदांत का इसमें पूरा समर्थन है। तो स्वराज्य अपने अपने चिंतन और लेखन में उन्होंने स्वराज्य की ही चर्चा की है, और स्वराज्य की अवधारणा जो वैदिक काल से चली आ रही थी वहां को स्वराज्य मोक्ष का वाचक माना गया है। मनुस्मृति ने भी सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मयाजीवे स्वराज्यम् अधिगच्छति, इस तरह की बात कही है। प्रोफेसर पांडे ये मानते हैं कि स्वतंत्रता भी जो, और खास करके राजनीतिक स्वाधीनता, वैयक्तिक और सामाजिक राष्ट्रीय स्वाधीनता, ये उस स्वराज्य का ही व्यावहारिक रूप है। परमात्मा में जिस स्वराज्य की चर्चा हम करते हैं और जिसको एब्सोल्यूट फ्रीडम के अर्थ में लिया जाता है, उसी का व्यावहारिक स्वरूप स्वराज है, स्वाधीनता है, पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम को वो उस रूप में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रोफेसर पांडे के समाज दर्शन में वो ये कि वो वेदांत के प्रत्ययों की नवीन व्याख्या के माध्यम से लोक को ऊर्ध्वगामी गति देने का प्रयास करते हैं, आदर्श के अवतरण का इंतजार करना ठीक नहीं, आदर्श अवतरित होगा या वो नहीं मानते थे, लोक का ही उन्नयन किया जाए, इस तरह की बात होती उनके दर्शन में दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर पांडे ने ये लिखा है, जो लोग यह मानते हैं कि वेदांत में, भारतीय परंपरा में और विशेषतः वेदांत में कोई भी सामाजिक चिंतन नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि यह कहना और यह सोचना गलत है। गलत इसलिए है कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पुरुषार्थों के लिए जो ग्रंथ लिखे हैं वह भी सनातन परंपरा, सनातन भारतीय परंपरा का अंग है। धर्मशास्त्र लंबा इतिहास है, धर्मशास्त्र के रचयिता के रूप में हम लोग मन को मानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र उससे भी पूर्ववर्ती है, उसका पूरा इतिहास बीबी खाने ने छापा है। धर्मशास्त्र हमारा सामाजिक चिंतन है। आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ पुरुषार्थ की विवेचना करता है, और अद्भुत बात यह है कि धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ ये दो अलग अलग पुरुषार्थ जैसे नहीं लगते हैं। मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को थोड़ा बहुत पढ़ा तो जो अर्थ की परिभाषा देते हैं वह परिभाषा ही इतनी व्यापक है। हम लोग जो सामान्य अर्थ में इकोनॉमिक्स के अर्थ में लेते हैं अर्थशास्त्र को, उससे बहुत ज्यादा व्यापक है वो परिभाषा, और उसमें कल्याण भी सन्निहित है, कल्याण इकोनॉमिक्स में भी सन्निहित है, आचार्य बैठे हुए हैं, लेकिन वो केवल मुद्रा शास्त्र नहीं है, उसमें लोक कल्याण भरा हुआ है। और मुझे एक श्लोक मिला इसमें ये लगा कि धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ में तो कोई अंतर है ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ की साधना के लिए कौटिल्य ने राज्य और दंड की व्यवस्था दी, इसीलिए उनकी रचना को दंडनीत कहा जाता है। चार प्रमुख विद्याओं में उन्होंने दंडनीत को माना है, लेकिन एक श्लोक ऐसा मिलता है और ये मनुस्मृति का श्लोक है, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, आश्चर्य भी हुआ।
जिसमें ये कहा गया है दंड शास्त्र प्रजा सर्वा दंड एवा विरक्षति दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं क्योंकि दंड प्रजा का पालन करता है, शास्त्री प्रजा सर्वा शासन करता है प्रजा का, दंड एवा भी रक्षा की और वही दंड प्रजा की रक्षा भी करता है। दंड सुप्ते जागृति, जब हम सोते हैं तब भी दंड जागृत रहता है, हम बहुत सुख पूर्वक इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि देयर इज अ सिस्टम एंड सिस्टम इज अवेक। इस तरह की बात उन आचार्यों ने सोची थी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म शास्त्र में या अर्थशास्त्र में अथवा काम शास्त्र में काम पुरुषार्थ की भी इतनी व्यापक अवधारणा है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने एक छोटी सी किताब लिखी है प्रस्थान भेद, वो वेदांती थे। प्रस्थान भेद की चर्चा करते समय उन्होंने तमाम विद्याओं की चर्चा शुरू की, वेद उपवेद, और फिर उपवेदों में प्रत्येक विद्या को किसी न किसी पुरुषार्थ से उन्होंने जोड़ करके दिखाया, और जितना कुछ कला के नाम पर, चाहे वो प्रदर्शन कला हो और चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की फाइन आर्ट्स हो, उन सारी कलाओं को उन्होंने काम पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा है। हम ये सोचें कि वह इतना ही इतनी व्यापक अवधारणा है जिसकी चर्चा आचार्य वात्स्यायन ने की, तो धर्मशास्त्र लिखा गया, अर्थशास्त्र लिखा गया, काम शास्त्र लिखा गया, और उसके बाद जो शास्त्र बच रहा था उसको शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने लिखा, जिसको मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। अब ये गलती हमारी है कि हमने बाकी शास्त्रों को भुला दिया और केवल मोक्ष शास्त्र को लेकर के आगे बढ़ गए। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर ने दर्जनों बार ये लिखा है, व्यवहारे तु भाट्ट नयः, व्यावहारिक जीवन में तो कुमारिल भट्ट का नय ही ठीक। उन्होंने जिस अध्यात्मवाद की रचना की वह अध्यात्मवाद तो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए था, ये तो नहीं कहा था कि धर्म अर्थ और काम को त्याग करके मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिए, और शायद ऐसा करना संभव भी नहीं होगा। बहुत से ऐसे प्रश्न उठाते हैं लोग, शंकराचार्य ने तो अल्प वय में ही संन्यास ले लिया, तो उन्होंने अन्य पुरुषार्थों को कब से किया, लेकिन हमारी परंपरा तो पुनर्जन्मवादी परंपरा है और हम मानते हैं कि पूर्व जन्मों में उन्होंने सारे पुरुषार्थों को सिद्ध कर रखा था, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर हुई। खैर, प्रोफेसर पांडे यह मानते थे, उनका राजनीतिक चिंतन था उसमें, वो मानते थे कि देखिए व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र, और यहां तक कि तमाम मॉरल वैल्यूज की भी, लोक कल्याण की भी बात को करते थे कि ये सब एक ही सीरीज में लगे हुए हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का कल्याण अलग कोई चीज है और राष्ट्र का कल्याण अलग कोई चीज है। और उनका ही मानना था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उपनिषद ये कहता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो जो है वह ब्रह्म ही है, उससे इतर नहीं है। यह जो अवधारणा है वो कहां किसी के तिरस्कार को उचित कह रही है। तो इनमें से कुछ भी अस्वीकार्य नहीं है वेदांत परंपरा को, और इसलिए भारतीय चिंतन को और खासकर वेदांत को पूरा अध्यात्म करना ये उचित नहीं है।
लोकायन दर्शन में मोक्ष पुरुषार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया, यह बिल्कुल सही है। धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की चर्चा लोकायन दर्शन करता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है हमारे मन में, ये काम की हो सकती है कि आपको पांडे जी अपने मूल विचारधारा से विचलित हुए थे, उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को अस्वीकार किया आरंभ में प्रस्तावना में भी, लेकिन यह अस्वीकृति नहीं है बल्कि यह इस बात का कथन करने का प्रयास वहां उन्होंने किया है कि यहाँ हम वेदांत सम्मत समाज दर्शन की रचना कर रहे हैं और समाज दर्शन धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों तक ही सीमित है। विशेषता केवल यही थी कि उन्होंने धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम यह विशेष अंश जोड़ा, और यह भी जोड़ा नहीं बल्कि यह भी तो भारतीय परंपरा की थी, उसको उभारा उन्होंने। धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम, और फिर धर्म क्या है? उनका कहना है कि धर्म द्विधातु से ये बना है और उसका उसके तमाम अर्थ है, धारण उसका अर्थ है, ये अर्थ है, वो अर्थ है, लेकिन एक उसका महत्वपूर्ण अर्थ है कि वह नियामक होता है, नियामक शक्ति के रूप में धर्म की संकल्पना यहाँ की गई है। वह अर्थ को भी सीमित करता है, नियंत्रित करता है, और काम को भी सीमित और नियंत्रित करता है। यह सीमा कालगत हो सकती है या सीमा देशगत हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी एक प्रयोजन निहित है। हम अर्थ का विनियोग ऐसी जगह करें जो लोक कल्याण के लिए, काम भी लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। सही बात यह है कि आचार्य पांडे को से और पीछे जाएं, आचार्य शंकर को देखें तो लगता है कि शंकराचार्य ने भी प्राप्त से प्राप्ति ही कहा है मोक्ष को।